दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पंडित पंडित ब्रोज ब्रोज में। में मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है। उसका टाइटल है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जैसा कि दोस्तों कि हमें टाइटल के नाम से पता नहीं चला कि इस वीडियो में मतलब इस टाइटल का हाँ, मीनिंग क्या है। चलिए दोस्तों, वैसे मिलके देखते हैं इस वीडियो में ऐसा है क्या खास जो इतने मतलब की व्यू आए हैं इस वीडियो पे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया सो है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो बैकग्राउंड में चल रहा है अल्लाह अकबर। वो किन लोग पब्लिक आई यहाँ पे वीडियो में, कुछ कुछ हो रहा है प्रोग्राम मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ प्रोग्राम है। ओह, ये तो स्क्रीन लगा रखी है बहुत बड़ी। पर्दा टाइप में ना। मतलब मूवी मूवी दिखाने वाले हैं ना कोई किसी। और कितनी भीड़ आ रखी है वहाँ पे। वो तो अर्थल गाजी की सीरीज है। ओ, इस सॉन्ग का जैसे मीनिंग इसी सॉन्ग का मतलब यही है। हाँ, वो सीरीज दिखाई जा रही है मतलब कि पब्लिक में पूरे वो लोग इतनी भीड़ देखने आई है इसको। बस हमने इस वीडियो पे भी रिएक्ट कर रखा है इनका अर्थुल गाजी पे, है ना। वो काफी लोगों को पसंद आता है अर्थुल गाजी सीरीज है, मतलब कि लोगों को बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो सॉन्ग चला रखा है पर्दे पे, एक तरह से एडिट करा हुआ है फाइटिंग सीन से। लोग वीडियो बना रहे हैं। सॉन्ग का नाम था इसमें, मतलब जो टाइटल था ना इसका, सॉन्ग का थोड़ा टाइटल ही अच्छा। भीड़ आ रखी है इसको देखने के लिए। कल लाइटिंग शो कर रखा है मस्त, अच्छा सजा रखा है ना। झूमर से भी टांग रखी है, अच्छे लग रहे देखने में। काफी पब्लिक आ रखी है। पूरा सॉन्ग चला रखा है। हिला डाला भाई। वैसे इस वीडियो में देखा जाए तो मतलब जो टाइटल था उससे हमें इतना पता नहीं चला, जो बाद में जो वीडियो देखी ना, मतलब जो अल्लाह अकबर, मतलब ये एक तरह से जो अर्थुल गाजी मतलब जो एडिट सॉन्ग है ना उस पे बेस्ड है टाइटल। हाँ, मतलब कि हम सोचते कि मतलब कोई टाइटल देख के कुछ अजीब से कुछ और कोई वीडियो होगी, हाँ मगर इसमें जो सॉन्ग था ये मतलब कि एक मतलब जो अर्थुल गाजी सीरीज थी उस सॉन्ग के ऊपर जो गाना फिल्म आएगा तो उसका एक हाँ टाइटल था वो। और सॉन्ग भी कितना अच्छा था, लोग मतलब कि पब्लिक में हो हाँ जाएगा और कितनी भीड़ उसको देखने आएगी। लाइटिंग शो कर रखा था हाँ मतलब देखने में कितना इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, कितना अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था देखने हाँ में। वैसे देखा जाए तो मतलब एक तरह से मतलब स्टेज शो होने वाला था, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला था। और जो जिस तरह से मतलब जो व्यू दिख रहा था, मतलब बैकग्राउंड का जो लाइटनिंग का और उसका मतलब, और जो एक पर्दा था मतलब उस पे मतलब उन्होंने मतलब जो अर्थुल गाजी का मतलब सॉन्ग चला रखा था ये, तो और वहाँ पे जितनी पब्लिक थे काफ़ी खुश हो रखे थे। हाँ, खुशी भी और थोड़ी। शो तो काफ़ी माना जाना शो है, मतलब कि जहाँ पे जो मुस्लिम कंट्री है इस शो को बहुत देखती है, मतलब इस सीरीज़ को, वेब शो को जो भी है, और लोगों को बहुत पसंद आता है जो इनका कैरेक्टर है, जो मतलब कि जो मतलब कि स्टोरी की रियल स्टोरी पे बेस है, तो लगे काफ़ी पसंद भी है ये मतलब कि शो देखना। हाँ, वैसे ड्रामा एक तरह से मतलब टर्किश कंट्री का मतलब वैसे, और अगर देखा जाए ना मतलब जो जो पाकिस्तान पे इसको मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला गया मतलब जो। हाँ, और भाई अगर देखा जाए तो मतलब जैसे व्यूअर
नंबर में कंट्री वाइज देखे ना तो पाकिस्तान मतलब दूसरे पहले नंबर पे आता है वो, मतलब देखा जाए मतलब काफी फैंस है मतलब अर्थुल गाजी के यहाँ। हाँ मतलब वहाँ पे वहाँ के लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद करा, काफ़ी प्यार दिया अपना, और मतलब पाकिस्तान छोड़ के नहीं तो अलग मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने हाँ बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स दिया इसके ऊपर, और काफ़ी इसने काफ़ी व्यू कमाए, काफ़ी नाम कमाए इस अर्तुगाली सीरीज ने। हाँ और मतलब पाकिस्तान और मतलब टर्की से नहीं बल्कि इंडिया में भी काफी फैंस हैं इनके, मतलब अगर देखा जाए ना तो मतलब इंडिया भी कम से कम चौथे पांचवें मतलब नंबर पे आया था, मतलब जब हम उस पर रेटिंग पे देखे ना तो काफी मतलब ये देखे तो ये सीरीज सच में बहुत अच्छी थी। हाँ मतलब कि इसमें जो मतलब कि ड्रामा था, एक्शन हाँ था, और मतलब हाँ कि और राजा महाराजा की कहानी थी तो अच्छा लगता, मतलब कि इंस्टेंटिक हाँ सब मेल कर रखा था, ऊपर से गाने और हिंदी उसमें हाँ लैंग्वेज में था तो काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और करें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।